शेख, मेरा सवाल है कि जो मस्जिद बनाते हैं तो बहुत सारे शहरों में, या एक साहब ने सब पूछा था कि इस तरह का कैसा करना क्या है, कि मस्जिद बना रहे हैं तो उसी में नीचे दुकान डाल दिया, और दूसरे सेकंड फ्लोर से मस्जिद बनाते हैं और नीचे दुकान डाल दिया ताकि मस्जिद का इनकम होता रहे, ये कहाँ तक सही है शेख? मस्जिद के लिए जमीन खरीदी जा रही है तो देखिए, जी सवाल ये थोड़ा सा तफसीली है। अगर किसी आदमी ने कोई जमीन वक्फ किया या उस जमीन पर मस्जिद बनाया, वक्फ किया, जी अब उस जमीन पर जब वो मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद के अलावा किसी और चीज के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करना जायज नहीं है जब उसने वक्फ कर दिया। जी जैसे किसी ने जमीन वक्फ कर दिया कि इस पर मस्जिद मैं बनाऊंगा या कोई बनाएगा दूसरा, अब जब उसने जी वक्फ कर दिया मस्जिद के लिए, तो अब मस्जिद के अलावा उस चीज का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए जायज नहीं है। लेकिन जब उस पर मस्जिद बनाने लगे तो ये बात आई कि भाई मस्जिद की कई एक जरूरतें हैं। जैसे जी मस्जिद की एक जरूरत है कि इमाम साहब के लिए कमरा चाहिए, जाहिर है मस्जिद को इमाम की जरूरत है, बगैर जी इमाम के मस्जिद कैसे चलेगी। मस्जिद को एक मुअज्जिन की जरूरत है, उसके बगैर मस्जिद कैसे चलेगी। मस्जिद एक ऐसी जगह पर है जहां पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं गाड़ियों से, गाड़ियां कहाँ जी खड़ी करेंगे, रोड पर खड़ी करेंगे तो परेशानी है, पूरे पूरे मोहल्ले के लिए परेशानी है, तो इसके लिए पार्किंग की जरूरत है। मस्जिद को अखराजात की जरूरत है, वो कहां से आएगा। लोगों ने जी कहा कि ऐसा है, ये जो सारी जरूरतें हैं ये मस्जिद ही की जरूरत है, मस्जिद ही की मसलहत है, और ये जो जमीन है ये मस्जिद के लिए वक्फ है। तो अब यहां पर हम कुछ जगह पार्किंग के लिए बना देते हैं, चंद एक कमरे बना देते हैं मुअज्जिन के लिए, इमाम के लिए, एक वजू खाना बना देते हैं क्योंकि वजू भी मस्जिद की जरूरत है। तो हर वो चीज जो मस्जिद की मसलहत है, इस नुक्ते को जी समझे, हर वो चीज जो मस्जिद की मसलहत के लिए, मस्जिद के अंदर नमाज को कायम करने की मसलहत के लिए जो जिस चीज में इस्तेमाल हो, उस चीज का इस्तेमाल, उस चीज के इस्तेमाल में उस जगह का इस्तेमाल करना जायज है। जी हर वो चीज जो मस्जिद को कायम करने, उसको चलाने, उसमें नमाज कायम करने की मसलहत में हो, उसके लिए इस्तेमाल करना उस जगह का जायज है। जी ये पहला नुक्ता। दूसरा पॉइंट ये कि किसी ने इरादा किया कि मैं कोई जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूं, अब उसने कहा कि ये जगह मैं मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूं, इस पे मैं मस्जिद बनाऊंगा, तो पहला फ्लोर तो मैं मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूं, जी लेकिन मैं उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर उसको वक्फ नहीं कर रहा हूं, या उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसको मैं वक्फ नहीं कर रहा हूं, मैं एक फ्लोर को मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूं, और पहले से उसने शुरू से ही नियत कर रखा है कि मैं इतना ही वक्फ कर रहा हूं, बाकी को वक्फ नहीं कर रहा हूं, अब उसके लिए जायज है कि वो जिस जितने का के वक्फ करने की उसने नियत किया है उतना तो मौकूफ होगा, बाकी जिसको उसने इस्तिस्ना किया है शुरू से ही वक्फ करते वक्त ही, वो मुस्तस्ना होगा, वो उसका इस्तेमाल अपनी जाती मसलहत में भी कर सकता है। तो ये फर्क है दोनों सूरतों में कि जिस वक्त आपने वक्फ किया है क्या कुछ चीजें आपने अपने लिए मुस्तस्ना की हैं। अगर आपने मुस्तस्ना किया है तो उसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू में मुस्तस्ना नहीं किया है तो पूरी जगह, वो जमीन से आसमान तक वो पूरी जगह मस्जिद की होगी, उसको या तो मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए या मस्जिद की जो भी मसलहत है उसको पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।